हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। इसमें देखेंगे आपका नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच, आपके पार्टनर की फीलिंग थॉट्स क्या होगी आपको लेकर, क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, आप किस एनर्जी में रहोगे उनको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर या आपकी लाइफ को लेकर, और क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, फोकस अपने पर्सन पर बना कर रखिएगा, साथ में यूनिवर्स से प्रेज ज़रूर कर लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या होगी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स अगले कुछ घंटों में, क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे वो पर्सन इनको लेकर, आपकी पर्सन आपसे बातचीत करना चाहेंगे, इमोशनली आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आप दोनों के बीच रुकावट हो सकता है या किसी की नज़र होगी आपके पर्सन पर, कोई कंट्रोल कर रहा है ऐसा कुछ हो सकता है, या तो किसी की नज़र ज़रूर है आपके पर्सन पर या आपके रिश्ते पर, ठीक है। कोई मैं से देख पा रही हूँ, हो सकता है कि किसी को पसंद नहीं है आप दोनों का साथ में रहना, किसी का फियर हो सकता है आपके पार्टनर को, ठीक है। तो उनसे छुपते छुपाते हुए आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, जो इन्होंने खुद को स्टॉप किया हुआ था, रोका हुआ था, इन्होंने सोच रखा था कि अब मुझे बात ही नहीं करनी है इससे, मुझे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, मुझे इन्होंने गिव अप कर दिया था, ये स्टॉप कर लिया था। तो अब ये पर्सन इमोशनली खुद आपसे जुड़ना चाहता है या चाहती है, बात करना चाहते हैं, इमोशनली आपको ऑफर कर रहे हैं, यही सोचेंगे इनके दिमाग में यही आएगा, ठीक है, कि आपको कांटेक्ट करे, आपसे बात करे, आपका हाल चाल जानने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स बताए मुझे इस व्यक्ति की फीलिंग्स और क्या होगी, और क्या कुछ सोचेंगे ये पर्सन। अचानक से आपने उम्मीद भी नहीं किया है, एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, और अचानक से इन्होंने आपको कांटेक्ट कर दिया या आपसे मिलने को आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको जगल कर रहे थे या डाउटफुल एनर्जी में थे, इनको समझ नहीं आ रहा था कि किसके साथ कंटिन्यू करूं, किसके साथ आगे बढ़ूं, किसके साथ लव लाइफ क्रिएट करना है। हो सकता है कि इनके साथ आपका टावर मोमेंट आया है, तो इस टावर मोमेंट के बाद फाइनली ये पर्सन आपसे बात करेंगे, इनके मन में यही सब चलेगा, आपको लेकर ओवरथिंक करेंगे, इनको इनके दिलो दिमाग में बिल्कुल भूचाल आ जाएगा, उथल पुथल मची होके बात करूं ना करूं, अगर करता हूं ये करती हूं तो क्या होगा, उसका रिप्लाई क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा, ये करके राइट कर रहा हूँ कि रॉन्ग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे ये पर्सन आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचने वाला है या सोचने वाली है, इनके दिलो दिमाग में आप छाए होंगे। आपकी क्या फीलिंग्स होगी, यूनिवर्स बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या होगी इनके पार्टनर को लेकर या इनके रिश्ते को लेकर, ये क्या कुछ सोचेंगे। आप काफ़ी पॉजिटिव हो, काफ़ी होपफुल हो, आप जुड़ना चाहते हो, आप चांस देना चाहते हो, मौका देना चाहते हो, आप रिश्ते को हिल करना चाहते हो, इस व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो भी इनसे खुद को अलग नहीं कर पाते, खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हो, आप इनसे इमोशनली जुड़ चुके हो हर तरह से, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आप इस पर्सन से जुड़ चुके हो, आप फैमिली साथ हो, आपका बच्चे हैं, आपका बच्चे हो सकते हैं इस पर्सन के साथ या इनके साथ आपको बच्चे चाहिए, इन्हीं के साथ आपके बच्चे हो सकते हैं या सिंगल पेरेंट हो सकते हो या किसी और के साथ हो सकता है, आप दोनों के बीच बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये एक्सेप्टेंस चाहते हो आप, या तो ये आपका जो प्यार है ना इस व्यक्ति के प्रति वो ट्रू है, वो सच्चा है, आप कुछ नहीं छुपाते इनसे,
कोई है यहाँ पर जो कि काफ़ी ऑनेस्ट है, काफ़ी लॉयल है, जिसकी एनर्जी में काफ़ी सामने वाले पर्सन के लिए लव काफ़ी ज़्यादा है। और किस एनर्जी में रहोगे आप? ये पर्सन आपके ड्रीम बन चुके हैं, आपकी विश बन चुके हैं, ये पर्सन आपकी चाहत हैं, ठीक है। पर राइट नाउ आपको काफ़ी टेंशन दे रहे हैं, आपको एंजाइटी दे रहे हैं, आपको डिप्रेस्ड कर रहे हैं इनका बिहेवियर, इनके एक्शंस। ये पर्सन कभी कभी आप पर बोझ बन जाते हैं, ये जो सिचुएशन है, ये पर्सन आपके लिए बोझ नहीं है, पर जो सिचुएशन आप दोनों के बीच है, जो मुश्किल हालात है, मुश्किल सिचुएशन है या सेपरेशन है, दूरियां हैं, फाइट हो रही है, इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है या ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच, आप दोनों जुड़ नहीं पा रहे हो, ये आपके लिए ज़रूर बोझ बन गया है, ठीक है। आप तो इनके साथ रहना चाहते हो, ज़िंदगी जीना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, ये आपकी ड्रीम है, आपकी खुशी है। ये पर्सन इनसे बस बात हो जाए, आप खुश हो जाते हो, बस थोड़ा सा बात हो जाए दो वक्त का, सही से कम्युनिकेट कर ले ये पर्सन, उसमें आप बहुत खुश हो जाते हो, ठीक है। पर जो दूरियां हैं या आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है, ये ज़रूर आपको टेंशन दे रही है। क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच अगले कुछ घंटों में, क्या कुछ हो सकता है यूनिवर्स बताए मुझे, मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के बीच क्या कुछ हो सकता है अगले कुछ घंटों में। मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है, मुझे नो कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, मुझे मायूसी दिखाई दिया है, डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दिया है, मुझे अलगाव दिखाई दिया है, मिस कर रहे हो दोनों, स्पेशली उस व्यक्ति को याद किया जा रहा है यहाँ पर जिनके साथ रिश्ते में एंड हुआ है। अब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, सेपरेशन है, वो थर्ड पार्टी में है, आप थर्ड पार्टी में हो, या भूलने की कोशिश कर रहे हैं कोई यहाँ पर किसी एक पर्सन को, या दोनों ही कर रहे हो, अनक्लियर है चीज़ें। यूनिवर्स बताएं मुझे क्या कुछ हो सकते हैं इन दोनों के बीच। मुझे इंतज़ार दिखाई दिया है, कोई है यहाँ पर जो कि कंफ्यूज है, सामने वाले पर्सन हो सकता है कई लोगों के लिए, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, कमिटमेंट चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो, आपको कम्युनिकेशन का इंतज़ार है, अगर यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट है तो, पर ये व्यक्ति कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ आपसे बात करना चाहते, मैं ऐसा देख पा रही हूँ अट्रैक्शन इनके साइड से काफ़ी ज़्यादा है, इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे, आपके साथ, ठीक है, क्लोज आना है, करीब आना चाहते हैं, ऑन एंड ऑफ से सिचुएशन करते हैं, ऐसा चांसेस है। या ये पर्सन हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं अपने एक्शन से, कभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, कभी इनका बर्ताव आपको हर्ट करता है, ठीक है। आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको सॉलिड ऑफर चाहिए, आप कुछ बड़ा चाहते हो या आप स्टेबिलिटी चाहते हो, बट जो ये व्यक्ति है इनके साइड से मुझे प्लेयर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई एक पर्सन मुझे यहाँ पर प्लेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है, या इनकी एनर्जी में ये है, ये आपकी जितना सीरियस नहीं है ऐसा हो सकता है, आप सीरियस हो इनको लेकर, बट ये पर्सन आपकी जितना नहीं है, ठीक है। तो हाँ, कुछ लोग के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके पर्सन आपकी लाइफ में फिर से एंट्री कर रहे हैं, दोबारा से बात करना चाहेंगे, आपके पार्टनर नीड महसूस कर रहे हैं, फिजिकल नीड महसूस करते हुए मैं देख पाई हूँ उस पर्सन को, तो आपके करीब आने के लिए कुछ झूठ बोल सकते हैं, या इनको झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे हो, किसी भी हाल में आप इस पर्सन को चाहते हो। तो बता देती हूँ मैं आपको, लस्टफुल एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, ये आपसे मिलने आ रहे हैं, इन्होंने सोच रखा है आपकी क्लोज आना है। पर ऐसा हो सकता है क्या आप इमोशनली जुड़ना चाहते हो, आप कुछ हो, आप चाहते हो कि इमोशंस हो, लव हो, या दोनों साथ में रहो, हमेशा में से अकेले साथ में आओ, इस रिश्ते को
नाम मिले, पर हो सकता है कि आप गलत इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो। ये व्यक्ति आपकी उम्मीद को पूरा नहीं कर सकते, या ये पर्सन जो आप चाहते हो वो आपको नहीं दे सकते, आपको घुमा रहा है ये व्यक्ति या घुमा रही है ऑलरेडी। ठीक है, बातें बनाना, झूठ बोलना, ऑन एंड ऑफ से सिचुएशन करना, जब नीड होती है आ जाते हैं, चले जाते हैं, इमोशनली आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने अपना रंग रूप दिखा दिया है कि ये कैसे हैं और क्या हो सकते हैं, आपको क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हो इनके बारे में, तो ये सब मुझे दिखाई दिया है, ये सब चांसेस है होने का। कई लोग सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में ही रहोगे, कम्युनिकेशन बंद है, इंतज़ार मुझे दिखाई दिया है। और कई लोग आपकी पर्सन आपसे मिलने को आ रहे हैं, आप इनसे मिलने को जाओगे, आप दोनों क्लोज आ रहे हो, आपके पार्टनर आपके करीब आने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, ये मुझे चांसेस दिखाई दिए हैं। ठीक है, किसी तरह का झूठ बोल सकते हैं, ये आपसे कुछ चाहेंगे, डिमांड कर सकते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत है इनको। ठीक है, फिज़िकल नीड या पैसा, हेल्प चाहिए आपका, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिया है। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।